उत्तर प्रदेश में मदरसों में शिक्षकों की भर्ती भी राज्य के शिक्षक चयन आयोग के जरिए होगी, लेकिन इस पर कुछ आपत्तियां भी आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। आपको क्या लगता है, सरकार का जो फैसला है, अब शिक्षक चयन का पूरा आयोग बनेगा और मदरसों में भी भर्तियां वहीं से होंगी, टीटी के माध्यम से होंगी, ये फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये इस तरीके से भर्ती होना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है और ये मदरसे के तकद्दस को पामाल करने की कोशिश है। इसलिए कि मदरसे में आज टीचर की ज़रूरत है। आयोग का गठन जो है, आयोग जो है वो 6 महीने के बाद करेगा, साल भर के बाद करेगा, और आयोग को फुर्सत नहीं मिलती है। 500 चीज़ें आयोग के अंदर पेंडिंग होती हैं जो आयोग उसको नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से जो आयोग का गठन किया जा रहा है और टीटी के माध्यम से, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या मदारिस अरबिया हो, इस तरीके से वहाँ के ऊपर आयोग के गठन की बात हो रही है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मुखालिफत करता हूँ। मदरसों को लेकर कई तरह के एक्शन लगातार हो चुके हैं, सर्वे भी हो चुका है, लेकिन कुछ शिक्षक हाईकोर्ट पहुंचे थे अपनी तनख्वाह लेने के लिए। वहां पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि पहले आप ये बताइए कि आप दीनी तालीम देने वाले संस्थान को फंड कैसे कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या दीनी तालीम पर सरकार की नज़र है? देखिए, पूरी तरीके से हमें लगता है कि दीनी तालीम के ऊपर सरकार की नज़र है और मदारिस में एडेड मदरसे होते हैं और वो आज चल रही है, आज़ादी के बाद से एडेड मदरसे, नॉन एडेड मदरसे। तो मदारिस अरबिया को एड मिल रही है और वो आज से नहीं मिल रही है, वो बहुत पहले से मिल रही है, लिहाजा इसको पूरी तरीके से ये देखना चाहिए कि एड जो है वो सरकार दे रही है। तो इसके अंदर हम अगर जो दूसरे शिक्षा के धर्म की शिक्षा के ऊपर सरकार एड देना चाहती है तो वो सरकार एड दे, कोई हरकत की बात नहीं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन को लेकर के सरकार कह रही है कि हमारा कोशिश है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, मदरसे के बच्चे भी आगे बढ़े, कंप्यूटर उनके हाथ में हो। आपको लगता है कि लेकिन जो स्टेप्स उठा रही है सरकार, उस पर निशाना कहाँ आपको लग रहा है? देखिए, जहाँ तक कि सरकार मॉडर्न की बात करिए, बेशक मॉडर्नाइज होना चाहिए मदरसे, हम इसके फेवर में हैं, मगर मदरसों के सिलेबस को डिस्टर्ब किए बगैर। अगर से मदरसे के सिलेबस को डिस्टर्ब किया गया तो हम ऐसे मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं। आप केस की मुखालफत करेंगे जो आयोग को लेकर के जो बात कही जा रही है? हाँ, बिल्कुल भरपूर तरीके से मुखालफत कर रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस वक्त, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस वक्त, और हमें नहीं लगता है कि ऐसे इस तरीके के आयोग की कोई ज़रूरत है। जैसे कार्य प्रणाली चल रही है, ऐसी चलने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। बिल्कुल, साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आप दीनी तालीम को लेकर के जिस तरीके के सवाल पहले भी उठाए गए, सर्वेक्षण कराया गया, हाई कोर्ट में अपील गई, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं इस आयोग के जरिए भर्ती पर भी आपत्तियां आ रही हैं, जिसको लेकर के सरकार सवालों के खेल में है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।